वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मनचाउ सूप। इसके लिए हमें सारे वेजिटेबल कट करके वॉश करके प्लेट में रेडी रखने हैं। नूडल को बॉईल कर लीजिए और फ्राई कर लीजिए। ऊपर से डेकोरेट करना है और साइड में सर्व करना है मनचाउ सूप के साथ। तो चलिए सब प्लेट में वेजिटेबल निकालते हैं। एक स्पून टोमेटो केचप लेना है, आधी स्पून सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी रखिए। स्प्रिंग ऑनियन कट कर लीजिए, एक छोटा ऑनियन भी कट करना है। एक ग्रीन चिली कट कर लीजिए, शिमला कैबेज और कैरेट कद्दूकस करके रेडी रखिए। अब हमें कढ़ाई रखनी है, दो स्पून ऑयल डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज, कैरेट, जितना हमें प्लेट में वेजिटेबल निकाला है सब ऐड कीजिए। 5 मिनट वेजिटेबल को पकने दीजिए। जितना मनचाउ सूप हमें बनाना है उतना पानी ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड किया हुआ है। अब इसे उबलने दीजिए। ये जैसे ही उबलेगा ये वेजिटेबल स्टॉक रेडी हो जाएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा ही विनेगर डालना है, आधी स्पून सोया सॉस ऐड कीजिए। अब इसे गाढ़ा करने के लिए हमें स्लरी बनानी है। 1.5 स्पून कॉर्नफ्लोर लेके इसमें 2 स्पून पानी ऐड करके स्लरी बनाइए। और सूप जैसे ही उबलता है इसमें हमें ये पेस्ट को मिला देना है ताकि हमारा सूप गाढ़ा हो जाएगा। तुरंत हिलाइए, मिक्स कीजिए। स्लरी हमने ऐड कर दी है, इससे सूप हमारा गाढ़ा बन जाएगा। आधी स्पून से भी कम विनेगर डालना है। सोया सॉस विनेगर दोनों खट्टा है, टेस्ट करके ऐड कीजिए। जितना सूप है उस हिसाब से डालना है। विनेगर ऐड करने के बाद इसे अच्छी से मिक्स कर लीजिए, हिलाइए। सोया सॉस भी हमने ऐड कर दिया है। हमारा सूप और 5 मिनट उबलेगा। सूप हमारा उबल गया है। अगर आपको पसंद है तो 1 स्पून नूडल डाल सकते हो, बाकी के हम फ्राई करके ऊपर से ऐड करेंगे। नूडल भी हमने बॉईल करके फ्राई करके रेडी किए हुए। अब बाउल में सर्व कीजिए। सूप बाउल में हमने मनचाउ सूप सर्व कर लिया है। ऊपर से डेकोरेट कीजिए स्प्रिंग ऑनियन और नूडल से। टेस्टी मनचाउ सूप हमारा रेडी हो गया है, सर्व कीजिए।